अखिलेश जी इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो खुद कहा था वो अपनी बात से पीछे हट गए। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था पीडीए, अब राज्यसभा के जो उनके कैंडिडेट हैं वो पीडीए कहाँ हैं, वो तो एफडीए हैं, फिल्म स्टार, डायनेस्टी एंड अफसर। मुझे लगता है कि दोनों इससे पूर्व अपनी पार्टी के मंच को जितना ध्वस्त कर चुके हैं, एक साथ आकर शायद दोनों पार्टियों के उस संयोग को और ध्वस्त करेंगे। राहुल गांधी जी के जमाने में सिर्फ एक जीत पाई रायबरेली और 80 सीटें हैं तो 79 हार गए। मुझे लगता है कांग्रेस कुल गौरव और समाजवादी पार्टी के कुल कुलांगार, इन दोनों बच्चों ने आकर जो भी अपना इतिहास दिखाया है, भविष्य की वानगी उसमें नजर आ रही है। भैया, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत ने। देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार के ऊपर न्यायालय निर्णय ले रहा है, तो न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करा रही है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए साहब, समाजवादी पार्टी के साथ समस्या ये है कि अखिलेश जी इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो खुद कहा था वो अपनी बात से पीछे हट गए। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था पीडीए, अब राज्यसभा के जो उनके कैंडिडेट हैं वो पीडीए कहाँ हैं, वो तो एफडीए हैं, फिल्म स्टार, डायनेस्टी एंड अफसर। अब आप बताइए, उन्होंने बनारस में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, किसको विड्रॉ किया, पिछड़े को विड्रॉ किया कांग्रेस के समर्थन के लिए। तो समस्या क्या है कि कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से वो समस्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए बजाय प्रतिक्रिया देने। सर, लोकसभा चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर रहे, किस तरीके से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है ये? मुझे लगता है कि दोनों इससे पूर्व अपनी पार्टी के मंच को जितना ध्वस्त कर चुके हैं, एक साथ आकर शायद दोनों पार्टियों के उस संयोग को और ध्वस्त करेंगे। उदाहरण के लिए राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 44 पे ले आए थे, फिर 52 मिली। और उस जमाने में 1984 में 85 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक हारी थी कांग्रेस, बागपत, चौधरी चरण सिंह जी वाली, और 84 जीती थी। राहुल गांधी जी के जमाने में सिर्फ एक जीत पाई रायबरेली और 80 सीटें हैं तो 79 हार गए। तो मुझे लगता है, और श्री अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सपोर्ट पे, उन्होंने भाजपा को झटका दिया, फिर वीपी सिंह जी के साथ गए। चौधरी अजीत सिंह जी को भी उन्होंने पटकनी दी थी और तब मुख्यमंत्री बने थे वीपी सिंह का साथ लेके, इसी तिलक हॉल में। अब वीपी सिंह को झटका दिया, चंद्रशेखर जी को झटका दिया, काशीराम जी के साथ गए, और सबको झटकते हुए वो अंततः 2012 में कुशलता के साथ समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए, अखिलेश जी को सत्ता दी, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कांग्रेस कुल गौरव और समाजवादी पार्टी के कुल कुलांगार, इन दोनों बच्चों ने आकर जो भी अपना इतिहास दिखाया है, भविष्य की वानगी उसमें नजर आ रही है। और अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ आप सभी समझते हैं, और बुआ जी, भैया, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है।